स्वामी जी भाभी जी यहीं आ रही हैं, मौका अच्छा है। स्वामी जी 2013 में मेरा स्कूटर चोरी हो गया था, अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताइए ना वो कहाँ मिलेगा। स्वामी मेरी पत्नी भाग गई है। स्वामी जी मेरा एलजी टीवी चोरी हो गया है, मेरी बाइक चोरी हो गई, मेरा लैपटॉप चोरी हो गया, मेरा आईफोन चोरी हो गया। ऐसा घटिया प्लान तो नहीं। अरे अरे कार रोको। सुन बेटा मेरे पास आओ, प्रसाद दो। बस बेटा। माँ क्या कर रही हो, ट्रैफिक जाम हो रहा है। अरे सिर्फ ट्रैफिक ही जाम है ना। ट्रैफिक छोड़ी, इससे डेवलपमेंट पर भी तो असर पड़ता है ना। ओहो डेवलपमेंट तो हो रहा है ना, तुझे क्या फिक्र करनी है उसकी। अरे सुन, अब क्या हुआ माँ? तू इस आदमी को जानता है ना? तेरा कुछ पैसे वैसे का लेन देन है क्या? आपको क्या लगता है उन्हें और कोई काम नहीं है क्या? और वैसे आपको पैसे की क्या जरूरत? अरे सभी को काम है और तुझे तो काम से फुर्सत ही नहीं, काम के लिए तेरी जान ऊपर नीचे होती रहती है। जब देखो पैसा पैसा। अरे तुम गाड़ी चलाओ ना। भाई सीधे जाके बोल दीजिए, कुछ गड़बड़ होगी तो हम लोग देख लेंगे। मैं जा रहा हूँ, बात कर लेते हैं। स्वामी जी। अरे अरे क्या कर रही हो? क्या बात है स्वामी जी? स्वामी शब्द सुनते ही मेरे दिल में दर्द हो जाता है। ऐसा क्यों स्वामी? अरे नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक लड़का हूँ, स्वामी थोड़ी ना हूँ। वो तो तुम्हारे चक्कर में रुक गया, वरना कल्टी खा लेता कब का। मैंने तुम्हें पहली बार मंदिर में देखा था, तब से मेरा दिल ना जाने क्यों बेचैन सा रहता है। उसके बाद जब तुम्हें यहाँ देखा तब मैं समझ गया कि ये ऊपर वाले का इशारा है, इसलिए मैं यहीं रुक गया सिर्फ तुम्हारे लिए, वरना मैं तो। हिम्मत कैसे हुई? अरे अभी तुम्हारी कहानी खत्म करती हूँ। चोर होकर बाबा होने का नाटक करते हो? अरे भाभी मत बोलिए किसी को, पूरी तरह से फंस जाएंगे, माफ कर दीजिए। अभी के अभी पुलिस को बुलाओ, पैर छोड़ो मेरे, हट जाओ। दोस्त को प्यार मिल जाए इसलिए तुम लड़की के पैर पकड़ रहे हो, शर्म नहीं आती? तू जाना। तुम वही हो ना जिसने मेरा फोन चुराया था? अब समझ में आया, तुम लोगों का चोरों का गैंग है, तुम सबको अभी बताती हूँ। रुक जाओ, ये मेरे दोस्त के प्यार का मामला है, कहे बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकती। क्या बात पे सुनो तुम्हारी, आज इस बात का फैसला हो के रहेगा। हाँ या ना, जो भी कह रहे अभी के अभी कह दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। क्या रे, एक तो मेरा फोन चुराया और ऊपर से बकवास कर रहा है। मैं इधर लव की बात कर रहा हूँ, फोन की बड़ी है, ले लो जितना फोन चाहिए उतना ले लो, सैमसंग इप्पो वीपो लिपो जो भी चाहिए ले लो, जितना फोन चाहिए उतना ले लो। फोन की बात करती है। अच्छा सुनो, तुम लड़कियों को ना जानते नहीं हो, इन लड़कियों को आंखें देती है भगवान दुनिया देखने के लिए, ये लड़कियां मटक मटक के चलती है और शॉपिंग मॉल में खड़ी होकर ऐसे देखती है, और तुम जैसे लड़के समझते हैं कि उन्होंने तुम्हें प्यार से देखा है, और खाना पीना छोड़ देते हो और इनकी यादों में खो जाते हो, और ये क्या करती है, घर पे जाकर सोफे पे आराम से पसर जाती है और टीवी चालू करके म्यूजिक सुनती है, आधी रात को ऐसे लड़कों को स्माइलीज भेजकर चैटिंग करके खुश हो जाती है लड़कियां। खुशबू खुशबू स्वामी जी। अरे माँ, ये बाबा या स्वामी नहीं है, सब चोर हैं, पूरी गैंग है इनकी, इन सब लोगों ने हमें धोखा दिया है। ये क्या, स्वामी जी को भी चोर बना दिया तूने? स्वामी जी ये तो पूजा से छुटकारा पाने के लिए ये सब बोल रही है, जब भी मुंह खोलेगी झूठ बोलेगी। माँ सच कह रही हूँ मैं। तू चुप कर, सच बोलूँ तो यही चोर है। इसने क्या किया पता है? मेरे कबर्ड में रखे हुए पैसे इसने चोरी किए और उससे सेलफोन ले लिया। अब देखिए आप सबको चोर बोल रही है। अरे ये सही तो कह रही है, हम लोग चोरी तो है तो फिर हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं? स्वामी जी आप चाहे कुछ भी कीजिए पर इसे थोड़ी सी अकल दे दीजिए। कैसे समझाऊं? तू चुप कर और चल यहाँ से। चल चल कह रही हूँ ना। अरे भाई इससे तो हमें सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। भाई ये तो वही है, बैंक में इसी के तो पैसे चोरी किए थे। आप शुरू हो जाओ, कैरेक्टर में आ जाओ। मुक्ति चैनल के प्रोग्राम के जा रहे हैं, कुछ तकलीफ है इसलिए बाबा के दर्शन के लिए आए हैं। ठीक है, आपने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया, स्वामी जी के दर्शन करके आपका जीवन सुखमय हो जाए। बाबा जी के बारे में लॉयर रवि जी ने बताया। किसी और के कहने से आप यहाँ नहीं पहुँचे, स्वामी जी का बुलावा आया तभी तो आप यहाँ पहुँचे। प्रणाम बाबा जी, हमें आशीर्वाद दीजिए। सुधा सुधा ये क्या हुआ सुधा? आप बिल्कुल मत घबराइए, स्वामी जी बहुत शक्तिशाली हैं, इनकी शक्ति से ही ये चेतनाहीन हो गई। सुधा यहाँ कोई डॉक्टर है क्या? डॉक्टर सुधा
कल्याण। सुधा, डॉक्टर, मेरी सुधा को क्या हुआ? She's pregnant. सच में? बाबा जी, बाबा जी, यहाँ आने की वजह से मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई बाबा जी। ये आप ही की महिमा है बाबा जी, ये आप ही के आशीर्वाद से हुआ है। शादी के बाद 10 साल से न जाने मैंने कितने मंदिरों और हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए हैं, न जाने कितनी दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ खा चुका हूँ। बाबा जी आप मेरे भगवान हैं, बाबा जी मेरे नहीं आप सबके भगवान हैं। बाबा जी मूर्ख हैं आप लोग, आपके पास दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है आपके पास। ऐसे बाबा जी, कष्ट दूर करने वाले बाबा जी, प्रेग्नेंट बनाने वाले बाबा जी को इन 4 दीवारों में कैद करके रखा है। बाबा जी आपकी महिमा सबको पता चलनी चाहिए, पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए। आ समझ गया, शुक्रवार को, आने वाले शुक्रवार को मुक्ति चैनल पर 5 बजे से 6 बजे तक आपका लाइव टेलीकास्ट मैं अरेंज करूंगा बाबा जी। आपकी महिमा को पूरे राज्य को मैं बताऊंगा बाबा जी। सुबह हो गई, मैं अभी तक CM नहीं बना भाई, तुम क्या बोल रहे हो? इतना टाइम नहीं है। हाँ पहले बुड्ढे को टपकाने का प्लान करो, उसके बाद मुझे फोन करना। हाँ मैं सब देख लूंगा, कुछ नहीं होगा। हाँ अपना ही फंटर है, सबको कुछ ना कुछ बनना है, किसी को कॉर्पोरेटर, किसी को मिनिस्टर और किसी को कलेक्टर। ये सब छोड़ो तुम बताओ। कल स्वामी जी के लिए मैंने एक प्रेस मीटिंग अरेंज करवाई है, आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अरे क्यों नहीं आऊंगा, पॉलिटिशियन हूँ तो प्रेस मीटिंग में तो आना ही पड़ेगा। जाओ मैं आऊंगा। अच्छा वो सुंदर की जमीन है ना? अरे वही जिस पर हम होटल बनाने वाले हैं। मैंने परमिशन के सारे पेपर बनवा लिए हैं, तुम लेट हो गए। मैं कभी लेट नहीं होता, एक बार मीटिंग खत्म हो जाएगी ना ऐसे 10 होटल बनेंगे, भरोसा रखो। भरोसा तो है। अच्छा ये बताओ प्रेस मीटिंग कब? कल ही शाम 5 बजे। 5:30 बजे आऊंगा। भाई अब ज्यादा रोमांटिक मत हो, कल ही बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, वो लड़की बहुत गुस्से में होगी। अरे जाना। स्वामी स्वामी मुझे बचा लीजिए स्वामी। स्वामी अब आप ही मेरी उम्मीद, आप ही मुझे बचा सकते हैं स्वामी। अगर आप सहारा नहीं देंगे तो खुदकुशी के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा मेरे पास। कौन है आप? मेरा नाम है प्रकाश स्वामी, कई तरह के बिजनेस किए मगर कभी सफलता नहीं मिली। जिंदगी में मैंने कई ठोकरें खाई हैं, सब लोग छोड़कर चले गए मुझे, मेरे बीवी बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए, जीने के लिए कोई सहारा नहीं बचा, इसलिए आपकी शरण में आया हूं स्वामी, मुझे सहारा दीजिए स्वामी। बेटा प्रकाश कुमार, तुम्हारा नाम सिर्फ प्रकाश है लेकिन तुम्हारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। दुखी मत हो, यहाँ पहुँच पाए इसका मतलब बाबा की कृपा तुम पर है। घबराओ मत, जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए यहाँ सेवा करो, बाबा का आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहेगा। धन्यवाद सर, मेरे लिए इतना ही काफी। छोटे बाबू। गुरुजी। ये पढ़े लिखे लगते हैं, इन्हें ट्रस्ट में कोई काम दीजिए। अवश्य गुरुजी। जाओ बेटा। स्वामी। खुशबू, दूर रहकर ही बात करना मुझसे, तुम्हारे पैर को छूकर लगता है जैसे मेरे पूरे शरीर में कीड़े रेंग रहे हों। छी, ये भी कोई जिंदगी है? एक चोर की तरह जीना, एक ढोंगी स्वामी बनकर जी ही क्यों रहे हो? इससे तो बेहतर है मर जाना। बात सच है कि मैं एक चोर हूं लेकिन यह भी सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं रही तो ऐसा लगता है जैसे प्यार नाम की चीज ही नहीं है। एक बात तो साफ हो गई कि पैसों से प्यार नहीं खरीदा जा सकता। जब से तुम्हें मंदिर में देखा है उसके बाद देखने के लिए बेताब हो गया। एक बार तो यहां से पैसे लेकर निकल ही रहा था,
लेकिन तुम्हारी वजह से मैं रुक गया। किसी के लिए अपना जीवन बदलना यही तो प्यार है, क्या ये सच्चा प्यार नहीं है? पता नहीं, पहली बार जब मैंने तुम्हें मंदिर में देखा तब तुम मूर्ति की चोरी कर रहे थे और यहाँ आकर एक ढोंगी स्वामी का नाटक कर रहे हो। तुम पर कैसे यकीन करूं ये मुझे समझ में नहीं आता। प्यार का मतलब यकीन भी तो है ना? तो तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? ऐसा कुछ जो मुझे सच लगे। सच का मतलब? इतने सबूत काफी है उस कृष्णानंद स्वामी की पोल खोलने के। आप लोग एक काम कीजिए, कल शुक्रवार ठीक 5 बजे उसने एक प्रेस मीटिंग रखी, 4:30 बजे आश्रम के आसपास पुलिस फोर्स लेकर आ जाएगी। कल सिर्फ इस बाबा के बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि भगवान के नाम पर भक्तों को बेवकूफ बनाने वाले हर बाबा को लपेटेंगे और उसके बाद ये सारे बाबा लोग बेबी बन जाएंगे, इनकी धोती फाड़ दूंगा। जल्दी चल, हमें प्रेस मीट के लिए जाना है। प्रेस मीट के लिए हमें क्यों जाना? अरे पहली बार स्वामी जी टीवी पर दिखेंगे। मम्मी चल जल्दी। ये मीटिंग कब स्टार्ट होगी? ठीक 5 बजे शुरू होगी, आप आ रहे हैं ना? 10 मिनट लेट आऊंगा, पहले आने पर लोग सोचेंगे इसे कोई काम धंधा नहीं है। सर बोलिए सर। कहो। नीचे हैं सर, अपने सब लोग आ गए। गुड, 10 मिनट में ऊपर आ जाओ। ओके सर। पुलिस आ गई है। अभी आए सर। 5:30 तक धावा बोल दो। ओके सर। उपस्थित सभी भक्तों को, मुक्ति चैनल के ऑडियंस को मेरा नमस्कार। आज का दिन बहुत ही खास है यहाँ की ऑडियंस के लिए, हमारे चैनल के लिए। ये एक यादगार दिन होगा क्योंकि आज हम एक आम इंसान का परिचय नहीं करा रहे, साक्षात भगवान का परिचय कराने जा रहे हैं। आपको इनसे परिचित कराना चैनल के लिए सौभाग्य की बात है। अब ऐसे देव स्वरूप इंसान को गुरुजी आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे। सर्वे जना सुखीनो भवन्तु, संभवामि युगे युगे। पाप के अधिक बढ़ जाने से दुष्टों को दंड देने की नीयत से भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अवतार लेना था, परंतु वो अवतरित हुए न मनुष्य रूप में पैदा हुए न देवता की तरह प्रकट हुए, परंतु मनुष्य और भगवान के मध्य एक रूप में श्री कृष्ण स्वामी बनकर उस द्वारिका से इस द्वारिका में आ गए। जय हो कृष्णानंद स्वामी की जय। जय हो कृष्णानंद स्वामी की। सुनो मैं निकल गया हूँ तो आइए ना।